हाँ अब सुनो सुनो, सवाल नंबर 5 में 1 से लेके 100 तक की उन सभी संख्याओं का योग करना है जो 2 से या 5 से विभाजित हो। तो ध्यान से सुनना, पहले अपन क्या करेंगे, इसमें 2 से विभाजित संख्याएं देखेंगे प्लस, पहले तो 2 की टेबल। अब जैसे 2 की टेबल मानो अपन नीचे लिखना चालू किया, 2, 4, 6, 8, ……100 ऐसे करेंगे, प्लस ही लगा लेंगे। फिर 5 से विभाजित कौन कौन सी आएंगी, 5 से 5, 10 मतलब 5 का पहाड़ा सीधी सीधा कहां तक, 100। लेकिन इस सवाल में अपने समस्या देख रहे हैं, क्या समस्या देख रहे हैं कि 10 यहां पे भी जुड़ जाएगी और यहां पे भी जुड़ जाएगी, है 100 यहां पे भी जुड़ जाएगी, यहां पे भी जुड़ जाएगी, तो डबल डबल जुड़ जाएंगी ना, तो इनको करेंगे माइनस। तो माइनस वाली कौन कौन सी संख्या होंगी जल्दी बताओ, 10, 20 मतलब 5 और 10, 5 और 2 माने 10, 5 × 2 10 का पहाड़ा लिख दो, 30, 40 तो ये वाली माइनस कर देंगे 100। तो देखो ये 100 और 100 2 से होंगे जुड़ गए, तो ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, 100 एक बारी जुड़ेगा 100, ठीक है। अब इसका टोटल बता दो, इसका समानांतर श्रेणी के n पदों का योग, तो 2 से लेके 100 तक सम संख्याएं कौन कौन सी, 50 हो जाएंगी, 50 संख्या होंगी कि नहीं, 1 से लेके 100 तक सम विषम पूरी हो गई 100, उनमें से सम कितनी होंगी 50, विषम कितनी होंगी 50, तो सूत्र लगा रहे हैं अपन 50/2 प्रथम पद 2 अंतिम पद 100। कौन सा सूत्र लग रहा है पता है, एयू पदों का योग, ये लग रहा है n पदों का योग, और अपन को साफ दिख रही है कि समानांतर श्रेणी है और समानांतर श्रेणी के n पदों का योग n/2 1/10 ये सूत्र लगा दिया, ठीक है। तुम लोग चाहो तो यहाँ इसके ऊपर लिख सकते हो या साइड से लिख देना, अच्छा 20 ये कितनी है, 20 प्रथम पद 5 अंतिम पद 100, फिर जी कितनी है, 10 हाँ सर, भाई 10 का पहाड़ा हो गया वो तो पूरा पूरा, तो 10 का पहाड़ा माने 10 संख्याएं, 10/2 प्रथम पद 10 अंतिम पद 100, बस हम इसको हल करते हैं, तो जी रह गए 25 × 102 जी रह गए 10 और जी 105 जी रह गए 5 और जी 110 25 का गुणा कर दो, 25 × 50 जो हो गए 1050 सीधा सीधा, 10 का गुणा करेंगे 1 0 लिख दो आगे बढ़ा के, है ना, और ये हो गए कितने 55 मतलब 550 हाँ सर, 2550 और 1050 राहुल पर यार जल्दी जोड़ो, 2550 1050 कितने हुए, 2700 हो गए ना पूरे, 2600 है जी सीधी 1000, तो 2000 1000 3000 बचे हुए 550 और 50 हो गए 600, तो जी हो गए 3600, ठीक है, 550 माइनस, और 550 माइनस कर दो 3150, तो ये सीधे सीधे 3150 उत्तर आ गया। और देखो तुम लोगों को बस यहाँ जी सीखना है कि कोशिश करो गुणा भाग ऐसे करो, अभी तक तुम लोगों ने आदत को पढ़िए लिखेंगे, तो ये लिखेंगे फिर जोड़ेंगे 0 0 0 0 350 बन गया 3050, हाँ 3600 में से 5550 जाएंगे 3050 तो 3050 बचे की, ठीक है 3050 पहली संख्या नहीं आई यार, कैसी अगर लगा था तुम लोग, मतलब सर आपने कुछ बता, 2 अंकों मैंने पहली संख्या बतानी है, तो 2 अंकों की पहली संख्या 13 होगी, जिसमें 4 का भाग दें तो 21 हाँ 13 17 21 आखिरी बता दो बस, आखिरी सर आखिरी 99 जिसमें 4 का भाग दें तो शेष फल 1 बचे, नहीं सर है
सौ में देखो संतानवे, सौ में संतानवे संतानवे चलो। जैसे तुम तो ऐसा करो, सौ में चार का भाग लगाओ, ठीक है, तो चार दो आठ और जी दो चार पांच बीस, तो सौ तो पूरी कर दी। अब सौ पूरी कट गई तो इसका मतलब सीधा सीधा चार घटा दो तो बची छियानवे, तो छियानवे में भी चला जाएगा चार का भाग, लेकिन अपन को शेष फल एक बचाना है, इसलिए आखिरी रह जाएगी संतानवे। आगे समझे ऐसा ऐसा निकाल दीजिए। तो ये समानांतर श्रेणी है, समानांतर चल रहा होगा हाँ। चार चार का अंतर समान चल रहा है, इसका प्रथम पद कितना है बोलो, तेरह, a बराबर तेरह, b बराबर सात, और सर्वांतर कितना चल रहा है चार, सर्वांतर d चल रहा है चार का, क्यों अंतिम पद, अब इसमें तुम सुनो, और अंतिम पद भी है संतानवे, l बराबर संतानवे। अब इनका योग ज्ञात करना है, अब n पदों का योग ऐसा हमारा सूत्र लग जाएगा, तो s n बराबर अंतिम पद पता हो तो a प्लस n, ठीक है। अब सुनो, उससे पहले तुम्हें ये पता लगाना है ये संख्याएं कितनी है, कौन बताएगा संख्याएं, n तो पता चले कि n कितना रखना है, अपन को n कितना, n का मान क्या रखना है बताओ, क्यों संख्याएं कितनी है सर, पहले तो सर उसको को लगाना पड़े एन पद होगा, हाँ तो ऐसा करो, संख्या ज्ञात करने के लिए अंतिम पद का सूत्र लगा भाई, तो सर अंतिम पद हाँ अंतिम पद तीन तीन एल बराबर ए प्लस ए प्लस एन माइनस वन ए टू डी, एल का मान है संतानवे, ए का मान तेरह तेरह, एन का मान पदों की संख्या ज्ञात करनी है चार, डी एस चारों अंतर चार का तेरह, तेरह चार एन माइनस चार संतान, तो मैं तेरह में से चार हाँ हाँ तेरह में से चार गए नौ बचे, नौ सर है नौ सर, नौ नौ ज्यादा ले नौ, इनके नौ को इधर लाके घटा दो, इनके आठ बचे सर, अठारह से तो संतानवे में से नौ गए, तो संतान सत्रह में से नौ गए अठासी, अठासी चार एन तो एन बराबर बाईस आ जाएगा, यस सर। बस अब इस योग के सूत्र में रख दू, ये मान रख दू, ठीक है, तो योग माने 22 पदों का योग करना है, तो 22 अंतिम पद संतानवे, पीछे वाले बात है बिल्कुल मत करो, 11 और 13 संतानवे कितने हुए, 107 और 3 10 110 तो 0 11 11 131 आंसर, तो जे दो अंकों की संख्याओं का योग जिनमें चार से भाग दिया जाए तो शेष फल एक रहे, उन संख्याओं का योग 1210, ठीक है, मतलब ये 13 17 21 दो दो। सवाल नंबर 7 समझ लो, पहले सवाल समझिए, एक फलन दिया है एफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स इंटू एफ वाई, ये फलन दिया है ना, समीकरण नंबर 1, तथा एफ वन का मान इन्होंने दे दिया 3, तथा सिग्मा एन बराबर 1 से लेके एन तक है ना, और यहाँ क्या लिखा है एफ एफ एन एक्स बराबर बन गया, एक ही बात है जी, 120 दे दिया, तो तुम्हें जी बताना है इसमें एक्स सर पूछते हैं, तो एन एक्स है तो फिर यहाँ पर एक्स बराबर लेना, एक्स बराबर एक बुक दिक्कत नहीं है, ऊपर एन ही है सर, एक्स बराबर एन तक ऐसा, ठीक है, तो सीधी सी बात हो गई, जे फलन है जे एफ वन माने प्रथम पद उन्होंने दे दिया, इससे बनानी है तुम्हें श्रेणी, तो फिर श्रेणी बना के उस श्रेणी का पूरा योग उन्होंने 120 दे दिया है, तो जे बताना है कि इस पूरी श्रेणी में पद कितने होंगे, हाँ एन कितना होगा, सीधी सी बात है, तो सुनो
पहले तो ऐसा करो, समीकरण एक में एक्स बराबर इधर दो और वाई बराबर इधर दो, तो क्या बन जाएगा एफ वन प्लस वन, एफ वन और एफ वन जी बन गया ना। यस सर। एफ वन का मान कितना दे रहे हैं, तीन, और जी गुणा तीन, माने कुल मिला के तीन का वर्ग। ये नौ लिख दो, नौ लिख छोड़ो, नौ लिख दो है ना, तीन तरफ नौ। अब समीकरण एक में एक्स बराबर एक वाई का मान बढ़ाते जाओ, तो एफ वन प्लस टू, एफ वन और एफ टू, ठीक है। एफ वन का मान कितना है, तीन, एफ टू का मान जीरा नौ, तो नौ पिया सत्ताईस हो गया। पिया घात में देखो तो तीन की घात दो, तीन की घात तीन, ऐसा है ना। अब समीकरण एक में x बराबर एक ही रहने दो, वाई का मान बढ़ा देते, तो f1 वन प्लस थ्री, एफ वन और f3, f1 का मान तीन, तीन की घात, और f3 का मान तीन की घात तीन, तो तीन की घात चार हो गया, कुल मिला के तीन की घात चार हो गया। अब अपनी श्रेणी प्राप्त हो चुकी, मतलब अब अपन श्रेणी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, थ्री स्क्वायर तीन की घात एक पहला पद, हाँ सर, तीन की घात दो दूसरा पद, तीन की घात तीन तीसरा पद, तीन की घात चार डॉट डॉट डॉट, ये एन पद है, तीन की घात एन, हाँ ऐसा कर दो तीन की घात, ठीक है। और इसमें इसका टोटल दे रहे हैं वो 120, इसका टोटल उन्होंने 120 दे दिया। अब ये पता लगाना है कि ऐसी संख्याएं अपन कितनी जोड़े, तीन की घात एक, फिर तीन की घात दो, फिर तीन की घात तीन, है ना। तो इसमें गुणोत्तर श्रेणी का सूत्र जो होता है ए आर की घात एन माइनस वन बटे आर माइनस वन, जी 120 चल रहा है, ठीक है। अब इस सूत्र में मान रहे हो, अब जगह नहीं है, तुम लोग खुद कर लो। से ए माने प्रथम पद कितना है, थ्री, तीन, ऐसा प्रथम पद तीन, जो गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों का योग है, तुमने राहुल पढ़ी थी गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है। और इसमें गुणा कितने का चल रहा है, तीन का, तो जी कहलाता है सार वन पद तीन, ठीक है। और ए का मान रख दो, आर का मान रख दो, एन का मान ज्ञात करना है, बराबर 120 चलने दो, एन का मान निकालो, ऐसा देखो गुणोत्तर श्रेणी, तो गुणा ही तो समान चल रहा है, अंतर समान कहां है, गुणा समान चल रहा है, इसलिए ये क्या है गुणोत्तर श्रेणी, और अगर अंतर समान चलता तो समान अंतर होती। ऐसा देखो ए का मान तीन, तीन की घात एन माइनस वन, आर की जगह थ्री माइनस वन 120, थ्री थ्री की पावर एन माइनस वन बटी में दो रह गए 120, थ्री की पावर एन माइनस वन 120 गुणा दो बटे तीन, है ना, क्यों दो गुणा में जाएगा तीन भाग में आएगा, ठीक है। तीन से जे काट दो, तीन चौबारा 40, तीन की घात एन बराबर 40 गुनी 80, है ना, तो तीन की घात एन बराबर हो गए 81, तीन की घात बराबर तीन की घात चार, तो आधा से आधा हटा दो तो एन बराबर चार, चार संख्याओं का योग 120। समझ लो, पहले सुनो, किसी गुणोत्तर श्रेणी में गुणोत्तर श्रेणी लिख दिया करो तो और ज्यादा सही है। गुणोत्तर श्रेणी ऐसा लिखते हैं ना, ए ए आर, ए आर वर्ग, ए आर की घात तीन डॉट डॉट डॉट, ए आर की घात एन माइनस वन, ठीक है। अब इसमें लिखो दिया गया है, दिया गया है प्रथम पद कितना दिया है, ए बराबर पांच, और सार वन पद कितना है, आर बराबर दो, तथा इसके एन पदों का योग 315, 315 ही है ना, एन पदों का योग, ठीक है।
एन पदों के योग का सूत्र क्या बताया था? आर की घात एन माइनस वन बटे आर माइनस वन बराबर 315। ए का मान 5 है। जिस सवाल दौर भी सरल है, जहाँ तक तुम्हें ए दे दिए, आर दे दिया, एन का मान निकालना है, बिल्कुल अवैल की तरह सॉल्व हो जाएगा। तो मेरा सॉल्यूशन मत देखो, मैं कर देता हूँ, तुम लोग अपने मन से कर देगा, ठीक है सर? आप 2 मिनट। तो 5 आर की घात माने 2 की घात एन माइनस 1 और 5 आर माने 2 2 माइनस 1 315 5 2 की घात एन माइनस 1 बराबर 300। तो 2 की घात एन बराबर 63 धन 1 64 हो गया। 2 की घात एन बराबर 64, तो 2 की घात एन बराबर 2 की घात 6 है ना, तो एन बराबर 6। गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद कितना है? प्रथम पद ए है, तथा इसका तीसरा कौन कौन सी पदों का योग? तीसरा और पांचवा, तीसरे और पांचवे पद का योग 90। तो तीसरा पद लिखेंगे ए आर की घात 2, क्यों? ए 2 3 ऐसा बताइए। तुम्हें तीसरा पद लिखते हैं तो एक घात कम करके लिखते हैं ए आर, पांचवा पद लिखेंगे तो ए आर की घात 4 लिखेंगे, 90 है ना। ए का मान 1 रख दो, तो ए का मान अपने 1 रख दिया, ए बराबर 1 रखने पर अब आर की घात 4 प्लस का आर वर्ग माइनस के 90 बराबर 0। इसके गुणनखंड कितने हो जाएंगे? इसके 90 आना चाहिए आर वर्ग, मतलब ऐसी संख्या ढूंढो जिसका जोड़ करें तो 1 आए, एक गुणा 90 आए, 10 मानो, सीधी सी बात है। तो आर वर्ग प्लस के 10 और आर वर्ग माइनस के 9 बराबर 0। अब दो गुणनखंडों का गुणनफल 0 है तो कम से कम उनमें से एक गुणनखंड तो 0 हो गई होगा। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि आर वर्ग प्लस 10 बराबर तो 0 हो नहीं सकता किसी भी हालत में, क्योंकि आर वर्ग का मान माइनस 10 नहीं हो सकता है ना। आर वर्ग कितना नहीं हो सकता? माइनस 10। कोई भी संख्या वर्ग में ऋण के बराबर नहीं हो सकती। तो लिखेंगे तो आर वर्ग बराबर आर वर्ग माइनस 9 बराबर 0 होगा, तो आर वर्ग बराबर 9, तो आर बराबर प्लस माइनस 3। यही है आंसर उत्तर। सार बन पा आर बराबर प्लस माइनस